नमस्कार, जय हिंद तेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सर, बिहार एसआई का रिजल्ट आपने देख लिया होगा कि 1275 जो वैकेंसीज हैं उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है कल, ठीक है। और उस रिजल्ट की जो कट ऑफ है, अच्छी खासी कट ऑफ देखने के लिए मिली है। आप बोलोगे सर क्यों बता रहे हो, कट ऑफ हम तो देख चुके हैं, रिजल्ट भी हम देख चुके हैं, कुछ विद्यार्थियों का नाम लिस्ट में आया होगा, कुछ का नहीं आया होगा। सर देखिए, यहाँ पर इसीलिए ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्योंकि जिस स्टूडेंट ने, जिस विद्यार्थी ने अपने दिमाग में ये मानसिकता बना ली है ना कि भाई साहब बिहार एसएससी इंटरमीडिएट 12वीं वाला जो 12,000 से अधिक वैकेंसी है, 12,199, उसकी परीक्षा 7 महीने बाद होगी, 10 महीने बाद होगी, होगी नहीं होगी, 2 साल बाद होगी, तो भाई साहब वो अपनी मानसिकता को सुधारे क्योंकि बिहार एसआई का जो एग्जाम था वो 17 दिसंबर 2023 को कंडक्ट करवाया था और मात्र मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। इससे ये चीज तो आपको पता चल जानी चाहिए कि जो विभाग है वो एकदम चुस्त तरीके से काम कर रहा है, एकदम सही तरीके से वो काम जो है वो कर रहा है। और इसी के संदर्भ में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि बिहार एसएससी इंटरमीडिएट की परीक्षा भी आपकी होती हुई आपको नजर आएगी जल्द ही। वो जल्द कितना हो सकता है उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, साथ के साथ आपकी अब 2 महीने की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको चीज़ों को कवर करना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, इन सब चीज़ों पर भी आज चर्चा का बात करेंगे, इस पर भी आज चर्चा का विषय हम बनाएंगे। अंत तक जरूर देखिएगा सेशन को ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये सेशन आपके लिए वाकई में कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था सर, ये न्यूज़पेपर का कटलेट जो है मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इस न्यूज़पेपर के कटलेट में ना इधर की तरफ, यहाँ की तरफ आवेदन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर है और परीक्षा मार्च के बाद कर लेने की उम्मीद है। परीक्षा 5 से 6 चरणों में आपको होती हुई नजर आएगी क्योंकि विभाग डिपार्टमेंट ये कहता है बिहार एसएससी कि 200 गुना फॉर्म भरे गए हैं, मतलब 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। जो विद्यार्थी, जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं, उससे 200 गुना ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। तो ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जा सकता है सर? ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है मार्च 2024 के बाद में, ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करवाया जा सकता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर ठीक है, मार्च के बाद मतलब अप्रैल हो सकता है। सर डेफिनेटली मार्च और अप्रैल में ये पेपर जो है आपको होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक, मैंने आपको ये भी बता दिया 200 गुना अधिक, मतलब 200 गुना विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। वैकेंसी 12,000 है, फॉर्म भरने वालों की संख्या 25 लाख है। अच्छी खासी नहीं, बहुत अच्छी खासी संख्या है। आज तक इतने ज्यादा फॉर्म कभी नहीं भरे गए, डिपार्टमेंट खुद बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे, डिपार्टमेंट बोल रहा है। अब सवाल यहां पर ये आता है, भाई मैं कैसे एक सीट को सुनिश्चित करूं, मैं कैसे अपनी एक सीट यहां पर पक्की कर लूं? तो सबसे पहले यहां पर अगर हम जाने बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में कि भाई किस प्रकार का पेपर है, प्री की यहां पर बात करूंगा सर पहले, फिर मेंस की बात करूंगा, पहले प्री क्वालिफाई करें फिर मेंस की बात करेंगे। तो सर यहां पर आपको 50-50-50 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चंस आपको जीके, करंट, इन सब चीज़ों के मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चंस आपको साइंस, इसके अलावा रीजनिंग, मैथ्स, इस प्रकार से आपको कुल मिला के 150 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। अब एक नंबर कटेगा आपका अगर आपने जवाब गलत दिया और 4 नंबर मिलेंगे अगर आपने सही जवाब दिया, मतलब नेगेटिव मार्किंग आपको क्या मिल जाएगी, अगर आपने जवाब सही दिया तो 4 नंबर, गलत दिया तो आपका 1 नंबर कटेगा। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, मगर हाँ अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है, मतलब ठीक ठाक नेगेटिव है मार्किंग। एक चीज आपको अपने दिमाग में ये क्लियर करनी है, पेपर करने के लिए कितना समय दिया जा रहा है? तो भाई 2 घंटे 15 मिनट का समय यहां पर आपको पेपर करने के लिए दिया जा रहा है, परीक्षा को अटेम्प्ट करने के लिए दिया जा रहा है। अब अगर हम बात करें प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में कि प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर यहां पर आप देख सकते हैं, जनरल स्टडीज जीएस का जो सेक्शन है सर, ये 50 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और कितना मार्क्स मिल जाएगा, 200 नंबर यहां पर आपको मिल जाएगा सर। यहां पर जनरल साइंस और मैथमेटिक्स दोनों मिला के 50 नंबर के हैं, तो 200 नंबर यहां आपको मिल जाएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। इसके अलावा मैथमेटिकल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे सर, 200 नंबर यहां मिल जाएंगे। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 600 नंबर का पेपर है सर। सही क्वेश्चन करने पर एक क्वेश्चन जो आप देखेंगे ये 4 नंबर का, 4 मार्क्स का यहां पर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपको मिल जाएगी भाई, 1 नंबर कटेगा अगर आपने गलत दिया जवाब। अब सवाल आता है सर, देखिए मैं आपके साथ जीके डिस्कस करूंगा मेनली, तो कि जीके आपको कैसे कवर करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको जीके कवर करनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे ना तो 2 चीजों को यहां पर मैंने हाईलाइट किया, अगर आप देखेंगे तो
तो करंट अफेयर वाले सेक्शन को यहां पर मैंने हाईलाइट किया है, क्योंकि हो सकता है कि 15 के आसपास क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाए सर करंट अफेयर से। ठीक, 15 के आसपास क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक यहां पर हमने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को एक बार हाईलाइट कर दिया, क्योंकि यहां पर ना मुफ्त के नंबर मिलेंगे आपको। मान लीजिए अगर 2 से 3 सवाल आपको देखने के लिए मिल गए, या 2 सवाल भी देखने के लिए मिल गए यहां से, तो मुफ्त के नंबर है भाई साहब, क्योंकि आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिला के 15 क्वेश्चंस आप देखेंगे करंट के आ सकते हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, डेमोग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इकोनॉमिक प्लानिंग, नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंटिफिक फील्ड, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, फ्रीडम, सोशल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव, मतलब सेंट्रल स्टेट एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सिटीजनशिप, मतलब वो बोल रहा है भाई पॉलिटी भी पूछूंगा, हिस्ट्री भी पूछूंगा, ज्योग्राफी भी पूछ लूंगा थोड़ी सी, इसके अलावा करंट पूछूंगा, स्टैटिक जीके भी पूछूंगा, मतलब पूरी की पूरी जीएस जो 50 नंबर की है वो इन टॉपिक्स पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। यहां पर ये 17 आपको दिख रहे हैं, इनके सब टॉपिक बना दिए जाएंगे, तो कुल मिला के 50-55 टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब एक ना बड़ा सवाल यहां पर आता है कि सर इनके कितने क्वेश्चन रट लूं, रट ही तो रहे इतने दिनों से, कितने क्वेश्चन रट लूं। तो कोई आपको बोलेगा 3000 क्वेश्चन रट जा, 5000 क्वेश्चन रट जा, सर इतने क्वेश्चन रटना नामुमकिन है। अब जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे, आपने संविधान पढ़ लिया तो नंबर पक्का है सर। यहां पर आपने सेंट्रल स्टेट के बारे में पढ़ लिया सर, नंबर पक्का है। आपने न्यायपालिका के बारे में पढ़ लिया सर, नंबर पक्का है, कटेगा ही नहीं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ लिया सर, पक्का नंबर है। नागरिकता के बारे में पढ़ लिया, नंबर पक्का है, कटेगा ही नहीं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ लिया सर, नंबर पक्का है, कटेगा ही नहीं। तो आपको थ्योरिटिकल पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी को कवर करना पड़ेगा। जिस विद्यार्थी ने थ्योरी कवर कर ली है सर, वो मॉक टेस्ट के लिए जाए, वो यहाँ पे प्रैक्टिस बैच ले, या मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे। सिंपल सी बात ये है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे जिस बच्चे ने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। जिस बच्चे ने थ्योरी कंप्लीट नहीं की है, जो जो टॉपिक बचते हैं उसको आज भी थ्योरी वाले सेक्शंस पर काम करना चाहिए, ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो। तो यहां पर ये जीएस का सेक्शन, मतलब जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस वाला जो सेक्शन आप देखेंगे, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। करंट की एक अच्छी खासी भूमिका है, 15 क्वेश्चंस के आसपास करंट के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 15 को मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब 4 से, सीधा अच्छे खासे नंबर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, 60 नंबर। 60 में से तुमने अगर 12 भी जवाब सही दे दिए तो 48 का तो काम हो गया वहीं पर। ठीक, और यहीं से नंबर बनाने हैं भाई साहब, नंबर बनाएगा भी ये और बिगाड़ भी देगा पूरा का पूरा खेल, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, अब सवाल आता है सर थ्योरी कंप्लीट हो गई है, अब आगे का क्या प्रक्रिया है, आगे क्या करूं। सर देखिए, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है तो फिर आपको मेंस की तरफ थोड़ा देखना चाहिए कि भाई क्या मैं मेंस के लिए भी अब मेरे माइंड में चीजें सेट है। थ्योरी आपकी पूरी कंप्लीट है, प्रैक्टिस पेपर आप लगा रहे हैं, 600 में से आपके 450 के आसपास बन रहे हैं। सही बता रहा हूं सर, प्रैक्टिस पेपर आप लगा रहे हैं 500 के आसपास, 550 के आसपास नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपने अच्छी खासी मजबूत वाली तैयारी कर ली है। आप बोलोगे नहीं बन रहे भाई, बिहार एसआई में भी देख लिया 129 गई है, ठीक है, और वहां पर तो बंदा कांपता है घर बैठ के, वही जो 129 मार के आया 150-160 मार रहा होगा घर में बैठ के, घर में इतना प्रेशर नहीं होता। तो वही अगर हम बात करें, 600 में से 550-550 के आसपास बन रहे हैं, तो मजबूत परिस्थिति में हो, और अगर इतनी मजबूत परिस्थिति में आ गए हो तो थोड़ा बहुत अपना मेंस की तरफ भी एक बार निगाहें डाल सकते हो। अलग क्या है, हिंदी है भाई, 100 क्वेश्चन हिंदी के हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का ही है मेंस में, तो 400 नंबर की केवल हिंदी है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का सेम काम है सर, 150 यहां पे मिल जाएंगे, 50-50-50 के हिसाब से 600 नंबर यहां पर आपको मिल जाएंगे, 1000 नंबर का आपका मेंस का पेपर होना है। ठीक, ये था पूरा का पूरा सांचा, पूरा का पूरा जो मैं आपको समझा सकता था वो सब मैंने आपको समझा दिया। अब सवाल आता है सर आपके दिमाग में कि क्या करें, 2 महीने रह गए, मतलब मान लीजिए अगर 2 मंथ्स यहां पर रह गए हैं, 2 महीने की अगर हम बात करें, 2 महीने की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। सर देखिए, 2 महीने की रणनीति होनी चाहिए कि कम से कम आपको एक मॉक डेली लगाना है, कम से कम आपको एक मॉक डेली लगाना है अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली है तो। ठीक, इसके साथ साथ सर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जितने ज्यादा अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। ये 2 काम अब आपको करने हैं, और आपको टारगेट रखना है कि कम से कम 500 प्लस मैं बनाता रहूं, 500 प्लस की तरफ मैं निगाहें बढ़ाता रहूं, तभी जाकर काम चलेगा, तभी जाकर जो आपकी समस्या है वो दूर होगी। ठीक,
अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से लाओ सर, मॉक टेस्ट कहाँ से लाओ? देखो सर, इसके लिए हम सीधा सा समाधान देते हैं आपको, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जबरदस्त टीम बैठी है सर क्वेश्चंस बनाने के लिए, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बने हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। करवाने हमें हैं, कैसे करवाने हैं, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे भाग देना है, कैसे गुणा करना है, वो सब जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। केवल काम करना, अटेम्प्ट करना और क्वेश्चनों को समझना। जिसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए बोल रहा हूँ, जिसकी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है थ्योरी के लिए भी बता देता हूँ कि क्या काम करना है। सर देखो, जिसकी थ्योरी नहीं हुई है बिहार के लिए, बिहार एसएससी इंटरमीडिएट के लिए थ्योरी वाला बैच आपको मिल जाएगा। जिसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है सर, उसके लिए प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। दोनों छात्रों को टारगेट करते हुए यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जिसने थ्योरी पढ़ ली है भाई, प्रैक्टिस पर काम करो, केवल प्रैक्टिस पर। क्वेश्चन का लेवल वो जो परीक्षा में आए, सर हमने तो ना मात्र मान लीजिए एक महीना पढ़ाया फिर भी हमारी विद्यार्थी सिलेक्ट हो गए बिहार एसआई में। अपनी बता रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि बिहार एसआई में सिलेक्ट हो गए, एक नहीं कई सिलेक्ट हो गए सर बिहार एसआई में, कई सिलेक्ट हो गए। रोल नंबर के साथ उनका नाम डलवा देंगे ताकि आपको तसल्ली हो जाए। तो यहां पर अगर हम बात करें सर, बिहार एसएससी इंटरमीडिएट में भी हम चाहते हैं कि अच्छा खासा रिजल्ट हम बिहार में दे पाएं। अगर आपका साथ बनेगा तो हम आपके लिए यहां पर काम कर पाएंगे और जबरदस्त तरीके से यहां पर मेहनत प्रयास कर पाएंगे। तो यहां 90% की छूट आपको मिल रही है, मैक्सिमम कोर्सेज पर आपको 90% की छूट मिल रही है। और मेनली यहां पर मैं बात कर रहा हूं अपने बिहार से संबंधित परीक्षाओं के बारे में। थ्योरी नहीं हुई है थ्योरी बैच लीजिए, और अगर आपकी थ्योरी हो गई है तो प्रैक्टिस बैच की तरफ मूव कीजिए। 2 महीने का समय हमें दीजिए और 2 महीने बाद खुद ब खुद ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, क्योंकि अगर 2 महीने बाद परीक्षा हुई तो आपको अपनी एक सीट पक्की करनी ही करनी है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आशा करता हूं पूरी की पूरी जो जर्नी यहां तक आपको 10 मिनट की समझाई है, इससे आपके दिमाग के जो द्वार बंद थे वो खुल गए होंगे, समझ आ गया होगा पेपर होगा तो क्या करना है अब हमें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।